हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज के यूनिवर्सिटी सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह है आपका 12वां एपिसोड जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान में, और राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में बहुत सुंदर कैंपस है, और एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं, फ़ीस कितनी लगती है, हॉस्टल की सुविधा है तो कौन कौन से हॉस्टल्स हैं, वो सारी चीज़ें, फ़ीस कितनी लगती है। साथ ही साथ NCT का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है वो भी देखेंगे। CUT के साथ साथ NCT का भी हम देख रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं NCT का भी हम साथ ही साथ देखते चल रहे हैं, ठीक है। और फैसिलिटीज जो कि हम एज यूजुअल देख रहे हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जितने भी यूनिवर्सिटी हमने डिस्कस करी है सभी यूनिवर्सिटी में, तो इसमें भी देखेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिलती हैं। हर एक चीज़ मतलब डिटेल में यहाँ पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार सेशन है, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत चीज़ें आपको जानने को मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि अभी आगे भी हम लोग और सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने वाले, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जब यहाँ पर हम इनके वेबसाइट पे आते हैं, हालांकि ये वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट से हमने इसको उठाया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने अपने वेबसाइट पर बता रखा है कि भाई हमको जो है NAAC द्वारा यहाँ पर हमको A++ ग्रेडिंग यहाँ पर मिला हुआ है। तो A++ बहुत शानदार ग्रेडिंग है, यानी कि यूनिवर्सिटी जो है बहुत अच्छी है। मतलब ग्रेडिंग के मामले में जो ग्रेडिंग हम लोग देखते हैं, तो उससे तुलना करें JNU से, तो JNU से थोड़ा सा पीछे आपको नजर आएगा, बट कहीं ना कहीं देखोगे तो A++ बहुत अच्छा ग्रेडिंग है यहाँ पर, ठीक है। तो 3.5 के आसपास होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि A++ 3.5 के एबव में लगभग जाता है। तो यहाँ पर आप देखो, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कैंपस है, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा ना हम आपको ले चलते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो वेबसाइट के ऊपर एक बार चल लेते हैं और वहाँ पर देख लेते हैं कि वेबसाइट पर आपको आना कैसे। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम लोग जो है 21 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। CUT 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है, चाहे वो UG हो चाहे PG हो, साथ ही साथ NCET के लिए जो है यहाँ पर सब कुछ कोर्स जो है आ चुका है। अगर आप CHS का कोई आपका भाई बहन है वो अगर तैयारी कर रहा है, BA BEd का कोर्स जो कि NCET के लिए है, सारे बैचेस यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। आपको करना क्या है, आप यहाँ पर आ सकते हो, CUT कॉन्सेप्ट सर्च कर सकते हो, चाहे वेबसाइट के थ्रू चाहे हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाइए, अगर आपको तैयारी करना है तो आप शानदार तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हो। आ जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर। यह है इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर हम आ चुके हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आप यहां पर सर्च कर सकते हैं CURAJ, इतना सर्च करोगे इनकी वेबसाइट आपको ऑफिशियल वेबसाइट ये मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से इनकी वेबसाइट दिखती है, आप यहां पर कई सारे फोटोज देख सकते हो इनके, ठीक है। ये सब देखो, कई सारे अलग अलग इवेंट्स के यहां पर फोटो इन्होंने लगाए हैं। तो ये हुआ कुछ, और नीचे कुछ नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। यहाँ पर हालांकि कुछ उतने काम का है नहीं हमारे, जो काम का है वो हम आगे आपको बता देते हैं। आपको सर्च क्या करना है, जैसे हमको अभी काम है कि रजिस्ट्रेशन हमको करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या सर्च करोगे, आपको बस इतना सर्च करना है CURAJ UG एडमिशन, इतना सर्च करना है बस, ठीक है। CURAJ, या फिर ऐसे भी जा सकते हो कि CURAJ CUT समर्थ EDU करके लिखोगे तब भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन सिंपल में आप क्या करना, CURAJ जैसे हमने यहाँ पर किया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान CURAJ एडमिशन UG हमने लिखा था, तो ये वाला वेबसाइट हमको यहाँ पर मिल गया। जैसे यहाँ पर नीचे आओगे तो UG एडमिशन करके मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे UG एडमिशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो नोटिफिकेशन अभी हम दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर है लिंक, हमको लिंक चाहिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है UG रजिस्ट्रेशन के लिए, फिर आप उस वेबसाइट पर आ जाओगे CUT समर्थ वाले पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाओगे और देन यहाँ पर नोटिफिकेशन भी बताया जा रहा है, हालांकि ये पुराना नोटिफिकेशन है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, तो यहाँ पर ये क्लिक कर देना है, देन आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो खुद को। तो ये ना क्या हुआ था कि इसका लास्ट डेट 11 तारीख तक ही था, लेकिन उन्होंने जो है 11 तारीख को इसको एक्सटेंड करके जो है वो स्वतंत्रता दिवस तक जो है बढ़ा दिया, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था वो अब 15 तारीख तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। वही करना है जो आप पहले करते आ रहे हो, इसमें कुछ नया नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करा सकते हो, हमने बता दिया। अब जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, अब हम लोग चलते हैं पीछे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करा लेना जिन्होंने नहीं करवाया है, लेकिन पहले देख लो कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, ओके।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसा कैंपस है, फिर हम आगे आते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुआ। इस पर मैं ना कल ही वीडियो, कल या परसों वीडियो बनाने वाला था, जिस दिन हरियाणा का वीडियो बना हुआ था, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, लेकिन उस दिन मैं किसी कारण से नहीं बना पाया, संडे का दिन था। तो जो है हम सोचे कि आज बनाते हैं, ठीक है। और आज जब हम रिसर्च कर रहे थे तो बहुत बड़ी खुशखबरी आई कि भाई इनका जो है ये एंड हो रहा था, ठीक है, 11 तारीख तक, लेकिन 11 को जो है इन्होंने ये फर्दर एक्सटेंड कर दिया, 15 तक हो गया। तो ये बहुत खुशी की बात है, ठीक है। नहीं तो मुझे बाद में नोटिफिकेशन देना पड़ता आपको, हालांकि नोटिफाई तो कर ही देता, बट यहाँ पर ये बहुत अच्छा हुआ कि भाई चलो बढ़ गया है। तो अब जिन्होंने जो भी बच्चे कराना चाह रहे हैं या फिर नहीं करवाए हो तो जा करके करा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने कहा था ना, ये देखो ये जो है यहाँ पर 3.54 इनका जो है स्कोर है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेडिंग जो मिलती है ये यहाँ पर देखो। अब यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्सेस में कितने सीट्स हैं, तो सीट का मैट्रिक्स यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। ये जो है कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है, साथ ही साथ आप इधर देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बीएससी बीएड का इंटीग्रेटेड जो टीचर्स एजुकेशन जो एनसीटी के थ्रू होगा, ठीक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये एनसीटी के थ्रू यहाँ पर होता है। तो 50 सीट्स हैं 21 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 13 ओबीसी, ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर है 4 ईयर बीएससी बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर एनईपी जो है यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू जो है सारी चीज़ें होती है, ये जो है यहाँ पर कोर्सेज जो है एनईपी के थ्रू रन हो रही हैं। तो 4 साल का यहाँ पर है। तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फिर 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री है, ठीक है, फिर 4 ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, फिर 4 ईयर बीएससी इकोनॉमिक्स है, देन यहाँ पर 4 ईयर बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस है, फिर यहाँ पर बीएससी लिंग्विस्टिक है, ठीक है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, फिर यहाँ पर है बीएससी फिजिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी कार्डियोलॉजी है, फिर यहाँ पर है 4 ईयर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ये भी है बहुत बढ़िया, विवोक है, फिर विवोक इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, यहाँ पर है। तो ये इंटीरियर डिजाइन का है, एक ऑटोमेशन का है, रोबोटिक ऑटोमेशन का। तो ये सब कुछ भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप एक बार इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप बस पढ़ लो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज मतलब बीएससी के बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, और टीचर्स वाला भी बीएससी बीएड का वो भी अवेलेबल है, ये सारे कोर्सेस। और इधर आप से देख सकते हो यहाँ पर सब में लगभग वही 30-35 सीट्स हैं, और बीएससी बीएड वाले में यहाँ पर 50 सीट्स हैं। अगेन यहाँ पे बीए बीएड अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो बीएससी बीएड अवेलेबल है। ओके आगे बढ़ते हैं। तो वो तो सारी हो गए कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं। भाई यहाँ पर हमने देखा कि बीए के कोर्सेज यहाँ पर नहीं दिखे, यहाँ पर सारे के सारे बीएससी के कोर्सेज, वीबॉक और आपका बीएससी बीएड का कोर्स है, ठीक है। तो अब ये देख लो कि यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर एच पर एनईपी 2020, तो यहाँ पर जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है एनईपी, बहुत अच्छी बात है। बीएचयू अभी तक इंप्लीमेंट ही कर रही है, पता नहीं इनका कब इंप्लीमेंट होगा। इधर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है, जैसे हमने हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी देखा था, वहाँ पर भी एनईपी जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, यहाँ पर भी एनईपी इंप्लीमेंट हो चुका है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चल तो आप देख लो आपको कौन कौन से यहाँ पर चाहिए होगा, अगर आप करना चाहते हो यहाँ पर ये जैसे बीएससी बीएड करना चाहते हो, तो बीएससी बीएड के अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टीचिंग एप्टीट्यूड आपने लिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 50% आपके मार्क्स भी होने चाहिए, हालांकि जो एनसीटी के थ्रू होता है वो हम अभी आगे देखेंगे कि एनसीटी में आपको कौन कौन सा पेपर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। 4 ईयर बीएससी केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर कंबाइनेशन दे दिया गया है कि भाई आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना चाहिए और मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हो तो काम चल जाएगा, अगर नहीं है तो आपको माइनसन 2 दिया गया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वही मतलब पीसीबी और पीसीएम में से कोई एक होगा तो चल जाएगा। यहाँ पर बीएससी बायोकेमिस्ट्री में है तो इसमें क्या चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ पर मैथ नहीं चलेगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में भी वही है, पीसीबी चाहिए। फिर यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंस में आपको जो है कंबाइनेशन 1 है फिजिक्स, वही पीसीबी या फिर आपका यहाँ पर चल जाएगा पीसीएम, ठीक है। फिर यहाँ पर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी चाहिए, फिर इधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए। अगर आप बीएससी फिजिक्स में जाना चाहते हो तब, तो फिजिक्स में जाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स होना जरूरी है। और इधर आप देख लो ये सब है कि आपने 12th में कितने परसेंट होने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एसटी एससी ओबीसी ये सब के लिए मतलब 45%, ईडब्ल्यूएस के लिए सब मतलब जिनका कोटा है 45%, और जो अनरिजर्व है उनके लिए 50% यहाँ पर मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। और बीएससी के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप जो है पढ़े रहने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब आपने पढ़ा है तभी हो पाएगा। इधर नीचे भी बताया गया है, एक एक करके पढ़ लेना, मैं सारा नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एक एक करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, चलो
फिर देखते हैं यहाँ पर कि बेसिक कंप्यूटर साइंस, अच्छा कंप्यूटर साइंस छूट गया था पीछे क्या, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस 4 ईयर का यहाँ पर है अवेलेबल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको चाहिए होगा, बीएससी इन स्टेटिस्टिक्स अगर आप कर रहे हो तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में भी चाहिए, मैथमेटिक्स कर रहे हो तो भाई मैथमेटिक्स तो रहना ही चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक्स अगर करना चाह रहे हो बीएससी इकोनॉमिक्स, अच्छा यहाँ पर कुछ कोर्सेस हैं जो कि पीछे नहीं बताया गया था, यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी है जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनरल टेस्ट चाहिए। तो इकोनॉमिक्स से ये कराते हैं, बीए नहीं करा रहे, ये करवा रहे हैं आपसे जो है बीएससी करवा रहे हैं, 4 ईयर का बीएससी होगा इकोनॉमिक्स में। और यहाँ पर आपको जनरल टेस्ट, अगर सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट है तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जनरल टेस्ट में ठीक ठाक नंबर है आपके, आप ले लो, ठीक है। फिर यहाँ पर लिंग्विस्टिक में अगर जाना चाहते हो तो भी आपको जनरल टेस्ट ही चाहिए। फिर पीसीबी चाहिए किसके लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, और होटल मैनेजमेंट वाले के लिए सिर्फ जनरल टेस्ट, और वीवो के लिए अगर इंटीरियर डिजाइन में कर रहे हो तो सिर्फ जनरल टेस्ट। लेकिन अगर आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में कर रहे हो वीवो, तो आपको यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपको लेना होगा, 3 डोमेन आपके पास होने चाहिए। किसमें, तो सीयूटी के एग्जाम में अगर आपने ये दिया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ओके। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, ये रहा, अब आ गया यहाँ पर एनसीटी के लिए, ठीक है। अच्छा, जो हमने नोटिफिकेशन दिया है वो देख करके आप मत कंफ्यूज होना कि भाई ये एनसीटी के लिए भी है क्या, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ सीयूटी वाले बच्चों के लिए है, जो कि नोटिफिकेशन आया है 15 अगस्त तक आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो खुद के, तो वो सीयूटी वालों के लिए। एनसीटी वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, कब होगा, ठीक है, कब होगा और कब से कब तक लास्ट डेट रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको एनसीटी के चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी उसका शुरू नहीं हुआ है, जैसे होगा तो बताया जाएगा। लेकिन आप देख लो कि यहाँ पर बीएससी बीएड अगर आप करना चाह रहे हो, आईटीपी के थ्रू यहाँ पर जाने चाह रहे हो, जिन्होंने आईटीपी दिया है, मतलब एनसीटी का एग्जाम दिया है उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आपने लिया है, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो कि 640 नंबर वो जो होता है आपका अलग ही पैटर्न होता है, आपको पता है कि 100 नंबर का लैंग्वेज होता है साथ, ठीक है, वो सारी चीज़ें, जीटी जो है 100 नंबर का होता है, तो वो जो है उसका अलग है, ठीक है। अगर मैं 100 और 80 का होता है शायद, तो मुझे मतलब स्पेसिफिक आइडिया नहीं है, बट मैंने देखा था, रिजल्ट देखे कई बच्चों के एनसीटी वाले के, तो किसी किसी में 100 का रहता है और किसी किसी में 80 नंबर का रहता है, तो वो थोड़ा मुझे देखना होगा, मुझे क्लियरली आइडिया नहीं है, बट आपका टोटल मिला करके 640 पर होता है, ठीक है, इतना पता है मुझे। तो एनसीटी में ये वाले होने चाहिए आपके, जो कि हर जगह है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में यही होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो है 3 डोमेन होते हैं, तो आपका पता है, आपका क्राइटेरिया आपको पता है, एनसीटी चैनल पे आपको अच्छे से विकास सर बताते हैं, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं। भाई हमने बात कर ली यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, कोर्सेज में हमने सीट भी देख ली है। अब बची हमारे फ़ी के बारे में, हॉस्टल के बारे में, फ़ी के और हॉस्टल के फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइब्रेरी की फैसिलिटी देख लेते हैं। तो हर जगह भाई लाइब्रेरी तो होता है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और लाइब्रेरी ना हो तो कहाँ एक यूनिवर्सिटी है, हाँ, जब लाइब्रेरी नहीं रहेगा तो कहाँ एक यूनिवर्सिटी रहेगा। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड बन गया, ठीक है, जैसे आप शहर में अगर रहते हो, शहर में रहते हो ना, तो शहर में एक आपको छोटा सा केबिन दे दिया जाता है, मतलब रूम दे दिया जाता है, ये शहर में अगर आप रह रहे हो कहीं पे, तो लिख दिया जाएगा भाई ये वाला फलाना जो है लाइब्रेरी है, आइए यहाँ पर पढ़िए, सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी है, ठीक है, तो लिख दिया जाता है लाइब्रेरी, लेकिन वो एक्चुअली लाइब्रेरी होता नहीं है, ठीक है। आप देते हो वहाँ पर, मान लो कि 6 घंटे आप पढ़ने जा रहे हो लाइब्रेरी में, शहर के किसी लाइब्रेरी में, मान लो 600 रुपये दिए, ठीक है, महीने का 600 रुपये। अब 600 रुपये जा करके दे करके आप पढ़ते हो वहाँ पे, तो सिर्फ वो सेल्फ स्टडी आप करते हो, वो लाइब्रेरी नहीं होता है, वो सेल्फ स्टडी पॉइंट है जहाँ पर आप जा करके बैठ करके अपना बुक्स लेकर के जाते हो, फिर वहाँ पर पढ़ते हो, लेकिन ये लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी होता है जहाँ पर बुक्स रखे होते हैं, हजारों हजारों की संख्या में बुक्स होते हैं, और आप अगर बुक लेकर के नहीं जा रहे हो, अपना कुछ नहीं लेकर के जा रहे हो, फिर भी आप जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन जो शहर में जो लाइब्रेरी चलती है आजकल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी जाने लगा हूँ लाइब्रेरी, तो वहाँ पर होता क्या है कि सिर्फ आपको जाना है, अपना बैग लेकर के जाओ, अपने बुक्स लेकर के जाओ, बैठो पढ़ो। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी होती है वो एक्चुअल में लाइब्रेरी होता है, जहाँ पर आपको कई सारे ऐसे जो है बुक्स जो है सेल्फ में आपको दिख जाएंगी, हजारों हजारों की संख्या में बुक्स होंगी, कई जगह लाखों बुक्स होते हैं, ठीक है, तो ये लाखों बुक्स रहेंगे, और जाकर के आप खोजोगे अपने पसंद का बुक्स, जो भी खोजोगे आपको लगभग मिल जाएगा, और फिर जाकर के लाइब्रेरी में आप एकदम शांत माहौल में बैठ करके अपना पढ़ाई कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो ये इनका कुछ मेन गेट है सेंट्रल लाइब्रेरी का, और सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर का दृश्य कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर सिर्फ बुक्स हैं, बैठने का भी व्यवस्था है, हमने फोटो नहीं लगाया है, मतलब अब कई सारे फोटो लगाने कोई मतलब है नहीं, तो बैठने का भी पूरा है, सीट्स आपको चेयर मिल जाएंगे, बैठ करके आप आराम से पढ़ सकते हो। तो मतलब आप कॉलेज गए, मतलब आप कॉलेज में गए, अपने फैकल्टी में पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद फिर मन किया कि नहीं चलो चलते हैं अब थोड़ा लाइब्रेरी में रहते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें पढ़ते हैं, नया किताब पढ़ते हैं, तो वो सब आ करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो ये सेंट्रल लाइब्रेरी होता है,
यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी अवेलेबल है। फिर है हेल्थ सेंटर, जैसा कि और सिटीज़ में थी, यहाँ पर भी आपको हेल्थ सेंटर है, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर इलाज किया जाएगा। हालांकि इसकी हालत थोड़ी सी, मतलब बाहर की हालत थोड़ी दिख रही है, बट अंदर की हालत बहुत अच्छी है। कई सारे हम लोग मतलब एक दो वीडियोज भी देखे, हालांकि अंदर का तो नहीं वीडियो था, बाहर का ही था, और कुछ फ़ोटोज़ थे अंदर के, तो फोटोज़ जो अंदर के थे उसमें बहुत मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला एकदम कुछ ऐसे इक्विपमेंट रखे हुए थे। मुझे लगा कि भाई बहुत शानदार व्यवस्था है अंदर पे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर से भले ही दिख रहा है ऐसा, तो लेकिन अंदर पे व्यवस्था बढ़िया है। आपको जो है जो भी परेशानी होती है आप यहाँ पर जा सकते हो, फ्री में आपका इलाज यहाँ पर हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये रहा स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। तो स्पोर्ट्स में सारे लगभग सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कबड्डी हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये लड़कियाँ जो है यहाँ पर कबड्डी खेल रही हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर देखो तो ये क्रिकेट हो रहा था, ठीक है। तो क्रिकेट का ये जो है यहाँ पर टीचर लोग होंगे, स्टाफ लोग होंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल एजुकेशन वाले सर होंगे, तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्रिकेट जो है यहाँ पर हो रहा है। तो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, ठीक है, बास्केटबॉल हो, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो स्पोर्ट्स में अगर किसी को जाना है आगे, तो भाई यहाँ पर आपको व्यवस्था मिल जाएगी, ठीक है। और स्पोर्ट्स थोड़ा, स्पोर्ट्स पे भी थोड़ा आप लोग ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि देख रहे हो कि ओलंपिक में जो है मेडल आ नहीं पा रहा है, तो मेडल लाएगा कौन? देश का युवा ही लाएगा। तो आप लोग खेलोगे, मतलब ऐसा मत सोचो कि खेल हम करके मतलब बिगड़ जाएंगे, हम खेल लेंगे, पढ़ाई पर ध्यान हट जाएगा। पढ़ाई भी करो, वो भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको खेल में इंटरेस्ट है तो उसी को बनाए रखो, और खेल में भी आप बहुत आगे जा सकते हो। ओलंपिक आप समझ सकते हो, वहाँ तक आप जा सकते हो, जो कि दुनिया का अभी तक का सबसे बड़ा खेल वही है ओलंपिक। अगर वहाँ पर चले गए तो उसके अलावा कुछ बचता नहीं है अचीव करने के लिए। वहाँ पर अगर गोल्ड मेडल ले आए तो फिर अब कुछ बचा नहीं आपको लेने के लिए स्पोर्ट्स के फील्ड में, ठीक है। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलेगी, और आप जरूर खेलो, ठीक है, ताकि आप कभी ओलंपिक तक पहुँचो तो और अच्छी बात है, ठीक है। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, तो प्लेसमेंट सेल भी है इनका, ठीक है, मतलब एक प्लेसमेंट का एक मेला ही लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या होगा कि आपको बुलाया जाएगा जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारे लोग आते हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर जॉब मिलने में आपको हेल्प हो जाता है। फिर यहाँ पर बैंक ATM भी है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। योगा सेंटर भी यहाँ पे, तो आपको अगर और हेल्थ मतलब ठीक ठाक रखना, अगर आप खेल नहीं रहे हो तो आप कम से कम योगा जाके कर सकते हो और अपने को फिट फाइन रख सकते हो। तो हालांकि ये सब, तो हमको लगता है ये सब फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा किया गया होगा, मतलब 21 जून का आया होगा, ठीक है, तो 21 जून को हो सकता है ये फोटो डाला गया होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि योगा जो है वो इतने लोग तो नहीं करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है ये सब, मतलब ठीक है 21 जून को शायद ये लिया गया होगा, तो बहुत कम लोग ही हैं जो योगा करते हैं। हालांकि योगा पे हम लोग ज्ञान बहुत देते हैं दूसरों को, दूसरे देशों को, ठीक है, दूसरे कंट्रीज को। 21 जून जैसे 21 जून आएगा तो हम लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो कि योगा में पार्टिसिपेट मतलब करते हैं रोज। तो डेली कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी करो, कोई एक एक्टिविटी ढूंढ लो, किसी को स्विमिंग पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना होगा, किसी को वॉलीबॉल खेलना होगा, कोई भी एक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अपने लाइफ में रखो अपने साथ, और उसको करो ताकि आप फिट रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब डोले सोले बना के ही रहोगे तभी मतलब आप अच्छे दिखोगे, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, उसी से आप हेल्दी रहोगे, नहीं, खेल कूद भी रहे हो, दौड़ भी लगा रहे हो तो भी आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। सोल पर्पज है हेल्दी रहना है, ठीक है, हेल्दी रहोगे तो बीमारियां नहीं होंगी, तो आप पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा हॉस्टल फैसिलिटी। तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ में यहाँ पर आप देखोगे कि कई सारे हॉस्टल्स हैं, यहाँ पर 8 हॉस्टल्स हैं, जिसमें आप देखोगे 4 गर्ल्स के लिए और 4 बॉयज़ के लिए। देखो भाई, जेंडर इक्वलिटी इसको कहते हैं, हाँ, ठीक है, 4 गर्ल्स के लिए तो 4 ही बॉयज़ के लिए है, कितना अच्छा बात है, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम संख्या में आपको एक हॉस्टल जो है PhD के लिए, मतलब है PhD स्टूडेंट्स के लिए ही है, बाकी 3 जो है उसमें सारे स्टूडेंट्स रहते होंगे। ये सब कुछ है। रूम देखो कितना शानदार है, कुछ ऐसे आपको 2 बेड्स मिल जाएंगे, यानी कि 2-सीटर आपको रहने वाला है, 2 लोग इसमें रहोगे आराम से, ठीक है। और सुविधाएं आप देखो तो आगे आप सुविधाएं देख सकते हो, सेपरेट स्टेट ऑफ आर्ट जिमनेजियम, तो जिम भी यहाँ पर अवेलेबल है आपके हॉस्टल में, आपको जिम में मिल जाएगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों हॉस्टल में ये रहेगा। प्रोविज़न ऑफ कॉमन रीडिंग रूम, तो हॉस्टल में भी रीडिंग रूम होता है, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी नहीं जा पाए तो रीडिंग रूम में आप पढ़ सकते हो। जैसे मैं भी यहाँ पर हॉस्टल में रहता था तो यहाँ भी एक रूम अलॉटेड था रीडिंग के लिए, तो वहाँ पर जाकर के बच्चे पढ़ते थे, अखबार वखबार भी आता था, ठीक है। बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल में आपको ये मिल जाएगा रीडिंग रूम। प्रपोज्ड कॉमन किचन फॉर स्टूडेंट्स विथ फैसिलिटीज़ लाइक रेफ्रिजरेटर एंड माइक्रोवेव, तो ये क्या है ना कि अभी जो है प्रपोज किया गया है, अभी ये अवेलेबल नहीं है हॉस्टल में, लेकिन ये हो सकता है कुछ दिनों में आपको अवेलेबल हो जाए। एक कॉमन किचन रहेगा, ठीक है, जहाँ पर अगर कभी किसी को समस्या, लाइक पानी गर्म करना हो गया, किसी को दूध गर्म करना हो गया, ठीक है, किसी को दवा खाना है तो दूध के साथ दवा मतलब रिकमेंड किया जाता है जनरली, तो मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पर, कोई नाश्ता बनाना हो गया इमरजेंसी में तो आप यहाँ पर बना सकते हो। अभी ये प्रपोज्ड है, अभी ये यहाँ पर बनानी है, ठीक है। सेंट्रल कूलिंग सिस्टम फॉर बोथ
द हॉस्टल इज अंडर प्रोग्रेस, ठीक है। तो सेंट्रल कूलिंग सिस्टम अभी नहीं लगा हुआ है, ठीक है, जल्दी लग जाएगा तो और गर्मियों में मजे आएंगे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ रनिंग हॉट वाटर इन द बाथरूम, तो ये जो है हॉट वाटर भी मिलेगा, हालांकि ये सर्दियों के लिए होगा, क्योंकि क्या है ना कि राजस्थान में जनरली देखा गया है कि मतलब अगर आप रेगिस्तानी वाले एरिया में रहते हो, हालांकि ये जो आपका ये जो है यहाँ पर ये अजमेर में पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ पर उतना रेगिस्तान वाला नहीं है कि आप समझो कि नहीं हर जगह मतलब रेगिस्तान होगा, ऊँट दौड़ रहे होंगे, वो वाला नहीं है, पूरा कैंपस एकदम हरा भरा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं आपको, तो ठंड के मौसम में ठंड तो लगेगा ही, तो वहाँ पर आपको हॉट वाटर भी आपको मिल जाएगा नहाने धोने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ हो गया हॉस्टल्स। आप देखो ये हॉस्टल है, ये ना जो हमने यहाँ पर लिखा था, ये देखो बॉयज हॉस्टल नंबर 6, यही वाला है यहाँ पे, ये बॉयज हॉस्टल नंबर 6 है। बाहर से देखो कितना सुंदर लग रहा है, कुछ ऐसा मतलब आप देखो कि कुछ नया नया ही बना हुआ ऐसा लग रहा है, और पूरा जो है ये राजस्थानी, ये जो आप देख रहे हो जाली, ये सब कुछ राजपूती डिजाइन में ये बना हुआ है, ये जो जाली बनता है ये राजपूत डिजाइन है आर्किटेक्चर का। ये जो है ये बड़ा सा पूरा मतलब ये ऐसा कुछ है, आसपास का एरिया देखो पूरा हरा भरा, ऐसा मत समझना कि राजस्थान है तो पूरा जो है वो रेत रेत होगा यहाँ पे, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और ये देखो यहाँ पर हॉस्टल में आपका बास्केटबॉल का भी यहाँ पर पूरा सुविधा है, ठीक है, ये सब कुछ है। तो लगभग लगभग सारी सुविधाएं यहाँ पर अवेलेबल हैं, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा। ये देखो कुछ ऐसा हॉस्टल दिखता है बाहर से, ये बड़ा सा हॉस्टल है। अब आ जाते हैं हम लोग फीस के ऊपर, ठीक है। तो फीस अगर देखोगे तो देखो ऐसे तो बहुत सारे फीस यहाँ पर बताए गए, एक एक चीज़ें बता दी गई आपको कि डेवलपमेंटल फी जो है यहाँ पर इतना लगेगा आपको, ठीक है, 1500 रुपये सेमेस्टर वन में, और सेमेस्टर ये ए बी सी कैटेगरी में बांट दिया गया यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। ये जो है नीचे लिखा होगा ए मतलब यहाँ पर है हॉस्टल फी, ठीक है, अच्छा ये हॉस्टल फी कैटेगरी ए के लिए हॉस्टल फी, मतलब लगभग सभी में सेम है, कैटेगरी ए हो बी हो, मतलब ये फी फॉर 2024-25 के लिए यहाँ पर है, ठीक है। तो टोटल अगर फी देखो यहाँ पर, टोटल सेमेस्टर का फी है ये, अगर सेमेस्टर वन में फी देखो तो कितना लग रहा है, 6525 रुपये, ठीक है, ये 8000, ये कैटेगरी वन ए बी सी जो है वो अलग अलग कोर्सेज वाइज है कि कुछ कोर्सेज में उसको कैटेगरी वन, कुछ कोर्सेज जैसे कि अगर आप वहाँ पर जो है वीवो का कोर्स करोगे तो उसके लिए फी जो है यहाँ पर इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है कैटेगरी ए बी सी यहाँ पर आपको है, सेमेस्टर वन इधर है, सेमेस्टर टू उधर है, ठीक है। तो फी आप देख लेना लगभग कुछ कोर्सेज में 6000 से 8000 रुपये, और कुछ जो स्पेशल कोर्सेज हैं उसमें जो है आपको 20000 रुपये यहाँ पर फी देना होगा। तो ये सेमेस्टर वाइज फी हो गया, लेकिन सेमेस्टर में आप देख रहे हो सेकेंड सेमेस्टर में भी लगभग सेम ही है। अब यहां पर देखो हॉस्टल फी का, तो हॉस्टल फी का देखोगे तो यहां पर 6000 रुपये आपको अलग से जो है हॉस्टल फी भी यहां पर लग रहा है। तो ये मुझे लग रहा है एनुअली फी है, क्योंकि यहां पर कहीं भी सेमेस्टर वाइज नहीं बताया गया है, ये ऐसा लग रहा है मुझे ये एनुअल फी है, ठीक है। अब यहां पर देखो जैसे ये कैटेगरी वन आप देख रहे थे ना, ये कैटेगरी वन क्या है, तो कैटेगरी वन में कौन कौन से कोर्सेस आ रहे हैं, 4-year BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब बीएससी के जो कोर्सेस है मेजर कोर्सेस उसका जो है कैटेगरी वन। तो कैटेगरी वन यानी ये कोर्सेस आप कर रहे हो तो आपका 6525 रुपये लगेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है, ऐसा। फिर हॉस्टल का जोड़ दोगे यहां पर और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये सब जोड़ दोगे तो आपका कितना पड़ जाएगा, लगभग 15000 रुपये यहां पर ये पड़ जाएगा, ठीक है। ये ऑफ कोर्स ये वाला फी आपको सेमेस्टर वाइज देना होगा और ये वाला फी जो है आपका एनुअल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पे सेमेस्टर ही लिखा हुआ है तो मतलब ये क्लेरिफाई नहीं किया गया कहीं पे कि ये वाला जो है आपका एनुअल है, लेकिन हॉस्टल फी जो है हाँ ये सेमेस्टर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे सेमेस्टर लिखा हुआ है जी उसी लाइन में है, तो मतलब अच्छा ठीक है हम लोग, ये जो है आपका सेमेस्टर वाइज ही है। तो सेमेस्टर वाइज आपका देखो यहाँ पर 15000-25 रुपये यहाँ पर लग जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था सर कि यहाँ पर 6000 है तो 6000 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा सेमेस्टर के लिए, बट कोई नहीं, ठीक है। फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है तो इतना फी आप दे सकते हो, अगर आप दे पाओ तो, ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो आप यहाँ पर जरूर एडमिशन लेना, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर कैंपस है और सारी सुविधाएं भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये ग्रैंड टोटल कर लोगे तो ग्रैंड टोटल आपको यहाँ पर सेमेस्टर, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है यहाँ पर 9000 रुपये इंक्लूडिंग आर एस 3000 डिपॉजिट, ये क्या क्या लिखा हुआ है, विल बी टुवर्ड्स मेस चार्जेस, अच्छा मेस चार्ज आपको यहाँ पर अलग से देना होगा ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो थोड़े फी तो यहाँ पर ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है, फी आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, ओके। फिर यहाँ पर जो है अच्छा स्टार का मतलब है, स्टार कहीं पे लगा होगा, ओके, इसमें काफ़ी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं जो कुछ नई चीज़ें हैं, यहाँ पर कहीं पे देखो कहीं पे स्टार लगा होगा, ठीक है, ये स्टार का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे स्टार लगा होगा और उसके बारे में बताया गया है। सर कहीं पे स्टार आपको दिख रहा है, नहीं आगे नहीं होगा, इसी में होना चाहिए कहीं पे स्टार, ये स्टार का मतलब
ठीक है, जैसा भी हो मतलब इतना डिटेल ठीक है, मतलब यहाँ पर 15,000 के आसपास और कुछ इंक्लूडेड और भी फी बढ़ सकता है। ये 16,000 इस कोर्स में, मतलब कैटेगरी बी आप पढ़ सकते हो यहाँ के 4-year BSc इन कोर्सेज में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी इन सब में लोगे तो ये कैटेगरी बी में आएगा। कैटेगरी सी में आपको 4 year जो है यहाँ पर कार्डियोलॉजी, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट और यहाँ पर वीवोक वाले कोर्सेज, हमने कहा ना वीवोक वाले कोर्सेज में आपको कुछ फी आपका यहाँ पर बढ़ जाएगा। आप ये 20,000 आप देख सकते हो यहाँ पर, ये वाला फी आपको कुछ इस तरीके से फी लगेगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा, हालांकि उसका इसमें कुछ अभी लिंक नहीं बन पा रहा है, उसको हम बाद में आपको बता देंगे, ठीक है, या आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, हम बता देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हॉस्टल का भी फी था तो सारे फीस में इंक्लूडेड हो गए, क्या हो गया? ये वर्क नहीं कर रहा, ओके चलिए थोड़ा सा इशू आ गया है बट ये ठीक हो जाएगा। देखो तो यहाँ पर फी जो है इस हिसाब से है, मतलब कोर्स वाइज है, 15,000 है, किसी में 16,000, किसी में 28,000-30,000 ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ग्रुप सी में मतलब वीवो वाले कोर्सेज करो तो लगभग 30,000 आपका आसपास पड़ जाएगा, ओके। और ये पर सेमेस्टर फी आपको बताया जा रहा है। देन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फी प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट 2023-24 के लिए बीएससी बीएड का, ठीक है। तो जब एनसीटी के थ्रू आप पढ़ने जाओगे, यहाँ पर बीएससी बीएड का कोर्स लोगे, उसका फी यहाँ पे बता दिया गया है। तो इसमें सेमेस्टर वाइज, मतलब इसमें देखो सारे सेमेस्टर का, मतलब 8 सेमेस्टर का यहाँ पर बता दिया गया है, पूरा फी सेमेस्टर वाइज फी बता दिया गया। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है यहाँ पर 12,620 रुपये लग जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर में 7,000 के आसपास, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में यहाँ पर जो है 8,495, फोर्थ सेमेस्टर में मतलब ये आप देख लेना लगभग 10,000 के आसपास आपका फी रहने वाला है। मतलब एवरेज देखोगे तो 10,000 पर सेमेस्टर आपको लगेगा, साथ ही साथ हॉस्टल का जोड़ लोगे तो हॉस्टल का जोड़ करके आपका फी जो है A+B, मतलब ये वाला पैसा कि पढ़ने का जो एकेडमिक फी लगता है और हॉस्टल का, ये सब कुछ अगर आप जोड़ लोगे तो आपका फी लगभग पड़ जाएगा यहां पर A+B करके 20,385 रुपए। तो बीएड का हर जगह लगभग इतना ही फी लगभग रहता है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर का फी बस इतना है, ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे फिर थोड़ा घट जाएगा, 30,000 रुपए हो गया, फिर 33,000-32,000, मतलब वही फी रहेगा 35,000 के आसपास। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्योंकि एडमिशन फी लगते हैं तो जोड़ करके 40,000 यहां पर लगभग हो रहा है। तो ये बीएससी बीएड का कोर्स यहां पर चलता है, उसका फी यहां पर बताया जा रहा है और फी लगभग आपका 40-50,000 रहने वाला है, ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा घट जाएगा। तो ये सारी बातें हो गई हमारी फीस से रिलेटेड, हॉस्टल हो गए, सारे फैसिलिटीज भी देख ली हमने और कोर्सेज के बारे में लगभग सब कुछ जान लिया है। 15 तारीख का आपका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, जाकर के करवा लीजिएगा। अगर आपको बीएससी करनी है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन रह सकता है। आप यहाँ पर जाकर के 600 नंबर में से आपको 250 नंबर अगर आ रहे जनरल कैटेगरी में, आप यहाँ पर जरूर करवाओ, ठीक है। 200 भी आ रहे तब भी आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ, आपको एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पर जाकर के रह करके पढ़ाई कर सकते हो तो आप जरूर ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो और साथ ही साथ कोर्सेज के बारे में बता दूं, ठीक है। तो कोर्सेज हमारे सारे लॉन्च हो चुके हैं, चाहे वो यूजी हो, पीजी हो, एनसीटी हो, सीएचएस हो, जिसमें भी आपको तैयारी करनी है यूजी पीजी, तो यूजी में ये सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे, साथ ही साथ पीजी में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, अभी जो है डिस्काउंट चल रहा है 40% का, 21 तारीख को हमारे क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिनको भी इनरोल करना है, आपके भाई बहन है जो भी तैयारी करें उनको बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।